एंड्रोजेंस का मतलब बताया था कि अगर फीमेल है तो मेल वाले हार्मोन डेवलप हो गए, मेल है तो फीमेल वाले ऑर्गन हार्मोन डेवलप हो गए। अब जो फीमेल है, ऑर्गन उसके फीमेल के हैं, लेकिन अंदर से उसके सारे जो बात करने का तरीका है, चलने उठने बैठने का तरीका, जो उसके भाव है वो जेंट जैसे, तो वो फीमेल जो मेल के साथ तो कभी भी अट्रैक्ट नहीं होगी। ऐसे मैंने बहुत सारे देखे हैं, बहुत सारे आजकल तो ऐसे जनरेट बहुत सारे लोग हैं कि दिखने में पूरी फीमेल है लेकिन उसके हार्मोन्स मेल वाले हैं, टेस्टोस्टेरोन उसके अंदर बहुत बड़ा हुआ है, तो उस समय पर वो इनफर्टिलिटी तो कभी भी इंटरकोर्स तो करेगी ही नहीं करेगी। यानी फीमेल कभी भी मेल के साथ, वो फीमेल जिसके अंदर के हार्मोन मेल वाले हैं, तो उसे ये लगेगा मैं तो मेल के साथ ही करूँ, मैं अंदर से मेल हूँ लेकिन वो मेल के साथ करूँ, तो वह भी हार्मोन इम्बेलेंस होना, जो एंड्रोजेंस यानी कि हार्मोनल गड़बड़ी की वजह से भी इनफर्टिलिटी हो जाती है, और वो कभी भी